दोस्तों आज मैं बात करूंगा 1995 की अनरिलीज्ड सील्ड मूवी की। अगर देखा जाए तो मातेश्वरी फिल्म की तरफ से एक मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था 1995 पर, कुंती पुत्र। कुंती पुत्र की अगर मैं बात करूं इस मूवी की, जो स्टार कास्ट थी, इस मूवी के डायरेक्टर थे, इस मूवी का प्रोड्यूसर था, सब कुछ तय कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी का कुछ पता नहीं चला। अगर देखा जाए तो इस मूवी की जहां एक तरफ स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, सोनाली बेंद्रे और फरीदा जलाल को तय कर लिया गया था, वहीं अगर मैं बात करूं इस मूवी के म्यूजिशियन की, इस मूवी पर म्यूजिक दे रहे थे राजेश रोशन। अगर मैं बात करूं इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो संजय बाली, लोकेश बाली और केसी खन्ना जी इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले थे। अगर मैं बात करूं इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर का नाम था गुड्डू धनोआ। गुड्डू धनोआ जी का डायरेक्टर डायरेक्शन बहुत ही शानदार था। इन्होंने कई सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया था, जैसे कि अगर मैं बात करूं तू चोर मैं सिपाही, ऐलान, गुंडा राज, अफलातून, लॉयन ऑफ पंजाब, दीवाना और भी ना जाने कौन कौन सी मूवीज़ पर इन्होंने डायरेक्शन किया था। अगर देखा जाए तो इनकी कई सारी मूवीज़ हिट और सुपर हिट रही और कई तो ब्लॉकबस्टर रही। अगर देखा जाए तो कुंती पुत्र ये जो मूवी थी, ये मूवी अगर बन जाती तो ज़रूर हिट साबित होती, क्योंकि जहां एक तरफ इसमें अक्षय कुमार, सोनाली बेंद्रे काम कर रहे थे, वहीं फरीदा जलाल मजी एक्ट्रेस काम कर रही थी। तो ये मूवी का रिलीज़ होके हिट होना तो तय था। आप लोग बता सकते हैं कि ये मूवी हिट होती, सुपर हिट होती या फ्लॉप, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आने वाले टाइम पर और भी अनरिलीज्ड मूवी की चर्चा करेंगे। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त अमित मिश्रा।